जब आपके वाक्यों में हुआ, हुई, हुए वाले शब्द आते हैं तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बनाएं? तो उसको बनाने का तरीका है वर्बी की थर्ड फॉर्म के साथ में नाम। अब वो नाम किसी वस्तु का भी हो सकता है, व्यक्ति का भी हो सकता है। कैसे? जैसे टूटा हुआ मोबाइल, इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रोकन मोबाइल। सजा हुआ कमरा, इसे इंग्लिश में कहते हैं डेकोरेटेड रूम। सड़ी हुई प्याज, इसे इंग्लिश में कहते हैं रोटेन अनियंस। जली हुई लकड़ी, इसे इंग्लिश में कहते हैं बंट वुड। पहने हुए कपड़े, इसे इंग्लिश में कहते हैं वॉर्न क्लोथ्स। पढ़े लिखे हुए व्यक्ति, इसे इंग्लिश में कहते हैं एजुकेटेड पर्संस। अब आप इसका वाक्य बनाना चाहें तो ध्यान सुनिए। जैसे कहा जाता है यह एक टूटा हुआ मोबाइल है, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं दिस इज ए ब्रोकन मोबाइल।